यौम आजादी मना रही है। बच्चे, बूढ़े और जवान कौमी परचम सर बुलंद रखने के लिए पुरअज़्म है। रात के 12 बजते ही जश्न आजादी की तकरीबात का भरपूर अंदाज में आगाज हो गया और इस वक्त हमारे नुमाइंदे मोहम्मद यूनिस हमारे साथ मौजूद हैं, डी चौक में मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि इस वक्त क्या जोश व खरोश को देख रहे हैं। यूनिस, ये बताइएगा कि इस वक्त आप क्या मनासिर देख रहे हैं, किस तरह से कौम जश्न आजादी मना रही है? जी समीना, सबसे पहले पूरी कौम को जश्न आजादी मुबारक। इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद शाहराए दस्तूर पर। यहाँ पे आप देख सकते हैं पीछे बिल्डिंग खूबसूरत अंदाज में सजाए गए हैं और साथ ही साथ यहाँ पे लोगों का रश है जश्न आजादी मनाने के लिए। यहाँ पे 12 बजते ही लोगों का जो है यहाँ पे रश है, मुहर्रम अल हराम की वजह से सादगी के साथ जश्न मना रहे हैं। आइए, हम यहाँ से फैमिली से भी यहाँ पे आए हुए हैं, मुख्तलिफ बच्चे भी आए हुए हैं, बूढ़े बुजुर्ग सभी यहाँ पे जमा है, इनसे बात कर लेते हैं। जी, आज 75वां यौम आजादी है, आप इस हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज हमारा ये यौम आजादी का दिन, आप हमारे लोगों में बहुत ज्यादा जोश जज्बा भी है और हम ये जो दिन आप मना रहे हैं तो ये आप देख रहे हैं कि बहुत लोगों के दिल में बड़ा ज्यादा जज्बा भी है। जी, फुल मुकम्मल जज्बे के साथ यहाँ पे लोग आए हुए हैं, मुख्तलिफ और भी लोग हैं यहाँ पे, इनसे बात कर लेते हैं। जी बताइएगा कि यौम आज़ादी के हवाले से आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं सारी कौम को मुबारकबाद देना पेश कर रहा हूँ और दूसरी बात ये कि हम एक खुशनसीब कौम है कि अल्लाह ताला ने हमें आज़ादी दी है और हम इसको फुल इंजॉय कर रहे हैं और हम मर्दान से आए हैं और मैं अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा करूँ तो कम है, क्योंकि हम एक आज़ाद कौम है और हमें हर बंदे को अपने तरफ से इस मुल्क के डेवलपमेंट में जो है ना अपना हिस्सा डालना चाहिए। बड़ी मेहरबानी। जी, पार्लियामेंट हाउस के बिल्कुल सामने आप यहाँ पे मंजर भी देख सकते हैं, मुकम्मल खूबसूरत अंदाज में बिल्डिंग्स को सजाए गए हैं, लोगों के यहाँ पे रश है, भरपूर अंदाज में जश्न मना रहे हैं। जी, मोहम्मद यूनुस इस्लामाबाद डी चौक से लोगों के तासरात हमारे साथ शेयर कर रहे थे जश्न आजादी के हवाले से। यूनुस, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और इस वक्त हम